Hey guys, welcome back to my channel. This is Trishit Sahai, my travel vlogger. और आज हम unbox करने जा रहे हैं this beast. Yes, आपको ये box देखे पता लग गया रहेगा कि ये क्या है. ये vlog मैं directly शुरू करने वाला हूँ. इसमें ना ही कोई b-roll है या कुछ, सीधा मैं raw reaction. अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है, मैंने इसको देखा नहीं है कि in person कैसा लगता है. Also, I don't have any fancy setup जहाँ मैं ऊपर का कैमरा, नीचे का कैमरा, साइड का कैमरा लगा के मैं अनबॉक्स कर सकूँ. ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास, तो बैठे बैठे आज व्लॉग करेंगे. मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्यूचर में मेरे फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में, हर चीज़ में इसको निचोड़ के निकालेंगे. बिकॉज इसमें है M2 चिप. यस, ये है M2 चिप 128 GB स्टोरेज के साथ. तो 128 काफ़ी है, तो उस हिसाब से ये है. चलो अभी इसको करते हैं अनबॉक्स. एंड ऑल्सो ये भी है एप्पल पेंसिल, तो ये भी अनबॉक्स करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. आई डोंट नो ये लेंसेस है कि क्या है, कुछ तो वियर्ड सा डिज़ाइन है. एंड यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चर्ड बाय एप्पल, 21.49 सेंटीमीटर्स. लाइक हाँ, दिस इज 12.9 इंचेस वाला है, नॉट द 11 इंच. सबसे बड़ा 12.9 इंच, तो ये डायरेक्टली मैंने 12.9 इंच वाला उठा लिया. एंड और क्या लिखा है इसमें, कस्टमर सपोर्ट, कैपेसिटी 128 GB, डायमेंशंस आईपैड प्रो. पीछे लिखा है 12.9 इंच, 6th जनरेशन, वाईफाई मॉड्यूल. ये फोकस, वाईफाई मॉड्यूल. तो मेरे को नहीं चाहिए सेलुलर, ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैं ऑन द गो लेके जाने वाला हूँ जहाँ मेरे को एडिटिंग करना पड़ेगा. और मैं मैक नहीं लेके जाऊँगा और इस पर करूँगा मैं. तो मैक में तो नहीं है सेलुलर, सो इसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. प्लास्टिक आता था, अभी प्लास्टिक नहीं आता. ये डायरेक्टली एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, और आईफोन की तरह यहाँ पे ऊपर दो स्टिकर्स दिया है इसको निकालने के लिए. सो लेट्स रिमूव इट. नाइस, बहुत अच्छा फील लेता है. खोलते हैं धीरे से. एंड दिस बटर पेपर काइंड ऑफ टेक्सचर से कवर किया हुआ है. टैबलेट रखते हैं साइड में, आईपैड गया साइड में. अब देखते हैं बॉक्स में क्या है. सो बॉक्स में वी हैव डिज़ाइंड बाय एप्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है. ये है इसका मैनुअल, ऑब्वियसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना कुछ साइड में. देन ये है केबल. आई डोंट नो इफ यू कैन सी, फोकस हो जा, फोकस हो जा. ये है ब्रेडेड केबल. एक्चुअली आपको सामने खोलने के बाद आपको टेक्सचर पता चलेगा ये ब्रेड क्या हुआ है. दैट्स गुड. इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा किया है. एंड एप्पल, आप लोगों ने आईपैड के साथ ये दिया है. दैट्स गुड. फास्ट चार्जर दिया है लोगों ने. आई एम सरप्राइज्ड. थैंक गॉड कि उन्होंने फास्ट चार्जर को मिस नहीं किया इस आईपैड में. नथिंग एल्स इन द बॉक्स एज यू कैन सी, खाली है पूरा. एप्पल पेंसिल में उन्होंने प्लास्टिक दिया है, सो आई कैन जस्ट पील इट ऑफ. नाइस, ओके. सो एप्पल पेंसिल इट्स रिटन हियर. एंड सो इसको यहाँ से खोल सकते हैं. अभी इसको खींच लेने का. यहाँ पे डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया. एंड आई थिंक इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस है. ओके, कार्ड्स में इंस्ट्रक्शंस है. कूल. ओह, दिस इज द एप्पल पेंसिल. ये इसमें भी प्लास्टिक दिया हुआ है. दैट इज अटेंशन टू डिटेल्स. ओके, लेट्स ओपन इट. परफेक्ट. तो आईपैड में पेंसिल नहीं होगा तो कैसे चलेगा. अब देखते हैं इस टैबलेट को. ओके, ये काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं. मेरा हाथ इसमें नहीं आएगा पूरा, मतलब दो हाथ से पकड़ना होगा. ऐसा हो या ऐसा हो, काफ़ी लाइट है. मैक से तो काफ़ी लाइट है. अभी कीबोर्ड इसका ऑर्डर करना बाकी है, कवर नहीं ऑर्डर हुआ है, सिर्फ पेंसिल और ये लिया. अभी कीबोर्ड बाद में लूँगा मैं. एंड क्वाइट हैंडी, क्वाइट बिग. एज यू कैन सी मेरा फेस पूरा कवर हो जाता है. खुलेगा इस तरीके से.
ओह ओह नाइस, इसमें मेरा कैमरा दिख रहा है, परफेक्ट, इट्स वेरी बिग, ठीक है. सो लेट्स सी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़, यहाँ पे मुझे एक दो, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो स्पीकर्स दिख रहे थे, दैट मीन्स चार स्पीकर्स है, मोस्ट प्रोबेबली सराउंड साउंड रहेगा, एंड बेस्ट पार्ट इज टाइप सी एप्पल लोगो. यहाँ पे दो कैमराज है, इसका स्पेसिफिकेशन मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को अभी तक सही से पता नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली 12 मेगापिक्सल जो उसका होता है वही होने वाला, एक नॉर्मल कैमरा, एक वाइड एंगल कैमरा ऑब्वियसली, लाइडर सेंसर है और फ्लैश वगैरह है, एंड इसमें फिंगरप्रिंट नहीं आता है, इसमें सीधा फेस आईडी आता है. ये चिपकेगा मोस्ट प्रोबेबली इधर, यप चिपक गया, कूल. एंड ये बूट अप हो चुका है, नमस्ते कुछ दिख रहा है, नमस्ते, हेलो, वनकम, सब कुछ बोलेगा. सो ये एक्टिवेट हो चुका है, अभी फेस आईडी वगैरह सब कुछ मैं डालने वाला हूँ, कि ये जो है मैंने इसको एडिटिंग पर्पज़ के लिए लिया है, इसलिए ये M2 चिप लिया है, एंड इट इज़ वे वे फास्टर देन माई करंट मैकबुक जो कि इंटेल i5 पे चलता है. स्टे ट्यून फॉर दोज वीडियोज़. मैं ऑब्वियसली यहाँ पे इसको पूरा रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ, उसका फोटोग्राफर्स के लिए क्या यूज़ होगा वो वीडियो बनाने वाला हूँ, एडिटिंग वीडियो बनाने वाला हूँ, फोटोग्राफी एडिट, वीडियोग्राफी एडिट, सबका एक अलग अलग वीडियोज़ आएंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट. Excited to use it, my first iPad Pro 12.9 128GB M2 chip 8GB RAM model. Let me know in the comment sections कि आपको क्या doubt है इसको लेके, I will try out that, मैं देखूँगा और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, आपके doubt clear करने की कोशिश करूँगा. And अगर आपको यहाँ तक मेरा unboxing छोटा मोटा video अच्छा लगा, then please hit that like button, नए हो तो please consider subscribing, and I will see you in the next one. Peace.